छात्रों, अब आप लेसन के वर्ड मीनिंग्स देखोगे। वर्ड मीनिंग्स में जहाँ विसर्ग लगे हुए हैं शब्द के अंत में, वह शब्द पुल्लिंग है, और जहाँ अंतिम शब्द में आ की मात्रा लगी हुई है वो स्त्रीलिंग है। पहला शब्द है इसमें एषः। एषः शब्द पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ है यह। अब का भी पुल्लिंग शब्द है, अर्थ है कौन। छात्र शब्द का अर्थ छात्र ही होगा। विसर्ग लगे होने के कारण ये शब्द भी पुल्लिंग है। यदि आ की मात्रा होती तो छात्रा हो जाता और स्त्रीलिंग शब्द होता। किम करोति, क्या करता है अथवा क्या करती है। सः, वह, पुल्लिंग शब्द है ये। पठती, पढ़ता है, पढ़ती है। अगला शब्द है जनकः। जनकः शब्द का अर्थ है पिता। लिखती, इस शब्द का अर्थ है लिखता है, लिखती है। अनुजः, लड़के का नाम है। खेलती, खेलता है, खेलती है। एषा, यह, स्त्रीलिंग शब्द है। का, कौन, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि दोनों ही शब्द के अंत में आ की मात्रा है। छात्रा, छात्रा का अर्थ छात्राई है। सा, मीन्स वह, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। नमति, नमस्कार करता है या नमस्कार करती है। अम्बा, माँ। पचति शब्द का अर्थ है पकाता है अथवा पकाती है। अनुजा, ये लड़की का नाम है। खादति शब्द का अर्थ है खाता है या खाती है। अनवीक्षा, लड़की का नाम है। नहीं शब्द का अर्थ नहीं है और न शब्द का अर्थ भी नहीं है। अध्यापिका शब्द का अर्थ अध्यापिका ही है। बदती शब्द का अर्थ है बोलता है अथवा बोलती है। और विवेक शब्द विसर्ग लगे हुए हैं, ये लड़के का नाम है। इस प्रकार से शब्दार्थ आपने सबने पढ़ लिए हैं। अब बच्चों, आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने में आप ध्यान रखोगे तो आपको सब कुछ ऐसे ही याद रहेगा। पहला क्वेश्चन है, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दो ही पद दिए हुए हैं, सः और सा। सः पुल्लिंग के लिए होता है और सा स्त्रीलिंग के लिए होता है। आपको सः और सा भरना है। अब एक उदाहरण आपको दिया गया है यहाँ, एषः कः। सः छात्रः, आपको सः भरना था। अब अगले क्वेश्चन में आपको पांच क्वेश्चन अपने करने हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर का पर एषा का आप भरोगे सा माता, छात्रा किम करोति सा नमति, थर्ड सेंटेंस है अध्यापिका बदति सा बदति, फोर्थ क्वेश्चन अनुजा किम करोति सः खेलति। चूंकि अनुज पर विसर्ग लगे हुए हैं तो ये पुल्लिंग में आएगा, इसलिए सः लिखोगे। विवेका किम करोति सः पठति, चूंकि विवेक भी लड़के का नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको